एसिड या अम्ल शब्द पहले भी सुना होगा। ये वो पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल और यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन यानी सार्वत्रिक सूचक विलयन या पेपर को उनकी शक्ति के अनुसार लाल या नारंगी रंग में बदल देते हैं। एसिड्स सिंपली वो पदार्थ होते हैं जो जल में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देते हैं। आइए हम अपना विचार खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू आदि से शुरू करते हैं। कई खट्टे फलों का स्वाद बड़ा ही जाना पहचाना होता है। इनमें ये खट्टापन सिट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। ये वीक एसिड यानी तनु अम्ल है। लोगों में एक बड़ा ही सामान्य भ्रम है कि सिट्रिक एसिड ही विटामिन सी है। वास्तव में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे फल कीवी फ्रूट में पाया जाता है। लाल मिर्च में एस्कॉर्बिक एसिड बड़ी मात्रा में होता है। आप विनेगर यानी सिरके से जरूर परिचित होंगे। ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का एक तनु विलयन है। खट्टे फलों की तरह सिरके का स्वाद तीखा खट्टा होता है। ऑक्सैलिक एसिड की हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता के कारण रुबाब लीव्स यानी रेवत चीनी की पत्तियां जहरीली होती हैं। हालांकि पालक, अजमोद या खुरासानी, अजवाइन और प्याज नुमा पौधे में ऑक्सैलिक एसिड कम मात्रा में पाया जाता है। आइए कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कैन खोलते हैं। जरूर आपके दिमाग में उससे उठने वाले बुलबुले आ रहे होंगे। ये बुलबुले कार्बनिक एसिड की वजह से उठते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के उत्पादन के समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए जाने के कारण कार्बनिक एसिड बनता है। यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल के कार्बनिक एसिड बनाती है। क्या आप इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं? वीडियो रोकिए और समीकरण लिखने के बाद फिर शुरू कीजिए। समीकरण कुछ इस तरह है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके कार्बनिक एसिड बनाएंगे। समीकरण में इस्तेमाल किए गए तीर के निशान पे ध्यान दीजिए। इस तीर के निशान का मतलब है कि अभिक्रिया रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती है। ये कार्बनिक एसिड विघटित होकर हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्रोटॉन देगा। एसिडिक सॉल्यूशन यानी अम्लीय विलयन वास्तव में इन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से बनता है। कार्बनिक एसिड के विघटन की सीमा न्यूनतम पीएच वैल्यू को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की विशिष्ट पीएच वैल्यू 7.41 है। अगर प्रोटॉनों की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाए तो खून की एसिडिटी यानी अम्लीयता बढ़ जाएगी। कम पीएच वैल्यू वाली मेडिकल कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। अगर प्रोटॉनों की सांद्रता बहुत कम हो जाए तो खून की अम्लीयता कम हो जाएगी। 7.45 पीएच वैल्यू वाली मेडिकल कंडीशन को एल्कलोसिस कहते हैं। अगर आप बहुत देर तक व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी। ये ऐंठन लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होती है। ये एसिड मांसपेशियों की कोशिकाओं को आवश्यक ऑक्सीजन न मिलने के कारण बनता है। दूध में लैक्टोज होता है और कुछ विशेष प्रकार की जीवाणुओं की वजह से लैक्टोज का फर्मेंटेशन या किण्वन लैक्टिक एसिड में होता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड दूध की विशेष प्रोटीनों जैसे कैसीन के साथ अभिक्रिया करता है। लैक्टिक एसिड और कर्डल्ड कैसीन मिलके दही और खट्टी क्रीम बनाते हैं। तो संक्षेप में यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा अन्य कई तरह के अम्लों के बारे में जाना। इस तरह के बहुत से अम्ल हमारे रोज के खाने में, हमारे शरीर के अंदर और दैनिक जीवन में पाए जा सकते हैं।